फाइनली मेंस क्रिकेट के बाद जो वुमेन्स क्रिकेटर हैं इनकी भी जो सैलरी लिस्ट है वो अपडेट कर दी गई है, और 2024 में किन किन वुमेन्स क्रिकेटरों को सैलरी मिलती है चलिए आज के वीडियो में आप लोग को बताते हैं, और टोटल कितने जो वुमेन्स क्रिकेटर हैं जिनको सैलरी दे रही है बीसीसीआई 2024 में और कितना सैलरी है पूरी डिटेल देंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग जरूर कमेंट कर बताएं कि इस लिस्ट में आपकी सबसे पसंदीदा जो फीमेल क्रिकेटर है वो कौन सा। चलिए आप लोग को बताते हैं आखिरकार कितना सैलरी है। जिस प्रकार से ग्रेड के हिसाब से सैलरी मिलती है मेंस क्रिकेटर को, वैसे ही वुमेन्स क्रिकेटर को भी ग्रेड के हिसाब से सैलरी मिलती है। तो ग्रेड सी से शुरू करते हैं। ग्रेड सी की जो सैलरी है वो 1 करोड़ है, और ग्रेड सी में जो पहला नाम है वो अष्टिका भाटिया का है, ये ग्रेड सी में आती हैं, और इनकी 1 साल की जो सैलरी है वो 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ रुपए इनको 1 साल में बीसीसीआई देती है। उसके बाद आती है हरलीन देवल। हरलीन देवल भी ग्रेड सी में आती हैं, और इनकी भी जो सैलरी है वो 1 करोड़ रुपए, 1 साल में 1 करोड़ रुपए उनको बीसीसीआई पे करती है। उसके बाद आती है राधा यादव। राधा यादव जो है ये भी ग्रेड सी में आती हैं, और राधा यादव को भी जो बीसीसीआई है वो 1 साल में 1 करोड़ रुपए देती है, यानी ग्रेड सी में आती है राधा यादव। उसके बाद आती है स्नेह राणा। स्नेह राणा जो है ये भी ग्रेड सी में, और इनकी भी 1 साल की जो सैलरी है वो 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ रुपए इनको देती है बीसीसीआई क्रिकेट खेलने का 1 साल का। उसके बाद आते हैं पूजा वस्त्राकर। पूजा वस्त्राकर जो है ये भी ग्रेड सी में आती हैं, और ये भी काफी समय से क्रिकेट खेल रही हैं, बहुत ज्यादा अनुभव है, और इनकी भी जो सैलरी है वो 1 करोड़ है, यानी 1 साल का 1 करोड़ रुपए इनको बीसीसीआई देती है। उसके बाद आती है अंजलि श्रावणी। अंजलि श्रावणी जो है इनको भी बीसीसीआई 1 करोड़ रुपए देती है, और भी काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेल रही थी, काफ़ी अच्छा भूमिका निभा रही थी अंजलि श्रावणी टीम इंडिया की तरफ से, टीम इंडिया की तरफ से खेलती हैं, और बीसीसीआई इनको 1 साल का 1 करोड़ रुपए देती है क्योंकि ये ग्रेड सी में, और ग्रेड सी की जो सैलरी वो 1 करोड़ है। उसके बाद आती है सबिनेनी मेघना। सबिनेनी मेघना जो है ये काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेल रही थी, काफ़ी अच्छा अपनी भूमिका निभा रही थी, इनको टीम इंडिया में जब जब जगह मिल रहा है और ये शानदार क्रिकेट खेल रही है, और इनकी भी जो 1 साल की सैलरी है वो 1 करोड़ रुपए है। बीसीसीआई इनको 1 साल क्रिकेट खेलने का 1 करोड़ रुपए पे करती है। उसके बाद आती हैं आप लोग के बीच देविका वैद्या। देविका वैद्या भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रही थी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रही थी और काफ़ी सारे विकेट ले रही थी। तो देविका वैद्या जो है ये गेंदबाज हैं, और देविका वैद्या ग्रेड सी में आती हैं, ये भी ग्रेड सी में, और इनकी भी जो सैलरी है वो 1 करोड़ रुपए है 1 साल की। उसके बाद आती हैं मेघना सिंह। मेघना सिंह जो है ये भी ग्रेड सी में आती हैं, और मेघना सिंह की भी जो सैलरी है वो 1 करोड़ रुपए है 1 साल की, एनुअल सैलरी बीसीसीआई पे करती है। उसके बाद आती हैं राजेश्वरी गायकवाड़। राजेश्वरी गायकवाड़ जो है वो ग्रेड बी में आती हैं, ग्रेड बी में आती हैं राजेश्वरी गायकवाड़, और काफी सीनियर प्लेयर हैं राजेश्वरी गायकवाड़, काफी समय से क्रिकेट खेल रही हैं, और ग्रेड बी की जो सैलरी है वो 3 करोड़ रुपए, यानी इनको 1 साल का बीसीसीआई 3 करोड़ रुपए पे करती है। राजेश्वरी गायकवाड़ को 1 साल क्रिकेट खेलने का 3 करोड़ रुपए मिलता है। उसके बाद आती हैं ऋचा घोष। ऋचा घोष को तो आप लोग जानते होंगे क्योंकि ये विकेट कीपिंग भी करती हैं और काफी अच्छा क्रिकेट ये भी खेलती हैं, टीम इंडिया की तरफ से काफी सालों से ये खेल रही हैं ऋचा घोष, और ऋचा घोष की भी जो सैलरी है वो 3 करोड़ है क्योंकि ये भी ग्रेड बी में आती हैं, ग्रेड बी की ये हैं। उसके बाद आती हैं शफाली वर्मा। इनको तो आप लोग जानते होंगे क्योंकि काफी अच्छा ये भूमिका निभाती हैं, हमेशा काफी अच्छा खेलती हैं टीम इंडिया की तरफ से, और इनको भी ग्रेड बी में रखा गया है। शफाली वर्मा की भी जो 1 साल की सैलरी है वो 3 करोड़ रुपए, यानी शफाली वर्मा को भी 1 साल क्रिकेट खेलने का 3 करोड़ रुपए मिलते हैं। उसके बाद आती हैं जेमिया रॉजर्स, जो काफी अच्छी बल्लेबाज हैं, काफी अच्छा बल्लेबाजी करती हैं टीम इंडिया की तरफ से, और जेमा रॉजर्स जो हैं ये भी ग्रेड बी में इनको रखा गया है, और इनकी भी जो सैलरी है 1 साल क्रिकेट खेलने की जो इनकी सैलरी है वो 3 करोड़ रुपए है, एनुअल सैलरी 3 करोड़ रुपए इनको देती है। उसके बाद आती हैं रेणुका सिंह ठाकुर। रेणुका सिंह ठाकुर जो है वो काफ़ी तेज गेंदबाज हैं, काफ़ी अच्छा गेंदबाजी करती हैं टीम इंडिया की तरफ से, और इनको भी ग्रेड बी में रखा गया है, ग्रेड बी में है रेणुका सिंह ठाकुर, और इनको 1 साल क्रिकेट खेलने का 3 करोड़ रुपये मिलता है, यानी ये भी सैलरी लिस्ट में शामिल है, यानी इनकी जो एनुअल सैलरी वो 3 करोड़ रुपये है। उसके बाद आती हैं दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा को रखा गया है ग्रेड ए में, और ग्रेड ए की जो सैलरी है वो 5 करोड़ रुपये, यानी 1 साल का जो एनुअल सैलरी है दीप्ति शर्मा को 5 करोड़ रुपये मिलता है, और दीप्ति शर्मा को ग्रेड ए में रखा गया। उसके बाद आती हैं स्मृति मंदना। स्मृति मंदना को भी ग्रेड ए में रखा गया है, और स्मृति मंदना की भी जो सैलरी है वो 5 करोड़ रुपए, यानी स्मृति मंदना को भी 1 साल क्रिकेट खेलने का 5 करोड़ मिलता है। उसके बाद आती हैं हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर जो है इनको भी 1 साल क्रिकेट खेलने का 5 करोड़ मिलता है, और ये भी ग्रेड ए में रखी हुई है। वैसे मेन्स जो क्रिकेटर है, मेन्स क्रिकेटर की जो ग्रेड होती है वो ए प्लस से शुरू होती है, लेकिन वुमेन्स क्रिकेटर की जो ग्रेड होती है वो ए से शुरू होती है, और वो मेन्स क्रिकेटर उनके ए प्लस की जो सैलरी है 7 करोड़ है, और वहीं ए की जो सैलरी है वो 5 करोड़ है। पहले जो वुमेन्स क्रिकेटर थी इनकी जो सैलरी थी वो काफी कम थी, ग्रेड ए को उस वक्त आज से 1 साल पहले ग्रेड ए को जो है वो 50 लाख रुपए मिला करता था। उसके बाद बीसीसीआई ने फैसला लिया कि मेंस और वुमेन्स क्रिकेटर जो है इनकी सैलरी सेम कर दिया जाए, और आप लोग सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया, कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया
कहां जो सैलरी है इनको 50 लाख मिलता था ग्रेड ए को, ग्रेड ए को 50 लाख मिलता था, ग्रेड बी को जो है वो 25 लाख मिलता था, उसके बाद इनकी सैलरी कितना ज़्यादा इंक्रीज कर दी गई आप लोग सोच सकते हैं, कहां 50 लाख से इनकी सैलरी 5 करोड़ कर दी गई। और सबसे ज़्यादा जो सैलरी है वो बीसीसीआई देती है, बीसीसीआई मेंस क्रिकेटर में जो सबसे ज़्यादा सैलरी है वो बीसीसीआई पे करती है, वहीं वुमेंस क्रिकेट में भी सबसे ज़्यादा जो सैलरी है वो बीसीसीआई पे करती है, वहीं मेंस क्रिकेटर में टोटल 26 प्लेयर को बीसीसीआई सैलरी देती है और वुमेंस प्लेयर में यानी वुमेंस क्रिकेटरों में टोटल 17 प्लेयर को बीसीसीआई जो है वो सैलरी देती है। टोटल 17 प्लेयर जो है वो बीसीसीआई के वुमेंस क्रिकेट लिस्ट में शामिल है सैलरी लिस्ट में, और वहीं मेंस क्रिकेटर में जो है वो टोटल 26 प्लेयर शामिल है। तो जरूर कमेंट कर बताएं कि इस लिस्ट में आपके सबसे पसंदीदा क्रिकेटर कौन है। फिर मिलते हैं आप लोग दूसरे वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद जय भारत।